कांग्रेस में जहां पर छठवें चरण की वोटिंग आज जोरों पर है, वहीं सातवें चरण का जो मतदान होना है उसकी तैयारियों को लेकर उसका जायजा जानने के लिए प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक मोर्चा खुद निकले हुए हैं अपने लाव लश्कर के साथ, अपने साथियों के साथ, ये जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है लालगंज और दीदारगंज की सियासत में, वहाँ के सरजमी पर उगने वाले वोट किसके पाले में जाते दिख रहे हैं, ये सब जानने के लिए वो भ्रमण कर रहे हैं लोगों के बीच चट्टी चौराहों पर, पूरी कोशिश हो रही है जानने की। लेकिन हम उस विषय पर न जाते हुए श्रीमान से आग्रह करेंगे कि अब तक का जो आकलन आपका मिला है, मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जो छः चरण से रुझान आ रहे हैं, जो एग्जिट इंटरनल एग्जिट आ रहा है, जब ओपन नहीं हुआ है अभी, वो बताया जा रहा है कि आपके पक्ष में जा रहा है, ये बात हकीकत है तो कितनी है, और सातवें चरण में क्या कुछ होना है सर? अभी तक जितने भी वोट हुए हैं कोल, उसमें सब में 70% समाजवादी है, और आखिरी चरण जो बाकी है आज हो रहा है, और सातवां चरण जो है इसमें बीजेपी साफ हो जाएगी। तो सर बुलडोजर खड़ा करने के लिए जगह देंगे कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो बुलडोजर पंचर हो गया ना, वो तो पंचर हो गया, पहले ही चरण में पंचर हो गया। ठीक है, मान लिया कि बुलडोजर आपने पंचर कर दिया, ये जो शान टहल रहे हैं सड़कों पर वो कहाँ जाएंगे सर? उनके लिए कोई जगह सोचा है? अगर बाई दबे आपकी सरकार बन भी जाती है तो सोचा है कि शान का क्या करेंगे? शान के बारे में नहीं बता सकते, गौ माता के बारे में बता सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके लिए एक योजना लाएंगे जहाँ गौ माता सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित रहे? हाँ सुरक्षित रहते हैं। जो स्लॉटर हाउस के फैसले आए थे वो सही थे या गलत थे? अब इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। आप प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, कहीं ना कहीं हैदराबादी भाईजान भी कंपेन में जुटे हुए हैं अपने अपने समर्थकों के साथ, अपने कैंडिडेट्स उतारे हुए हैं, लगभग वो हर संवेदनशील इलाके जहाँ पर जो है जो माइनॉरिटी बाहुल्य है वहाँ पर उन्होंने खड़ा किया है, इसका कोई असर खासा असर पार्टी? उनकी अपनी पार्टी है, वो लड़ रहे हैं चुनाव, बहुत सारी पार्टियाँ मैदान में है, वो भी लड़ रही हैं, उनकी अपनी पार्टी वो शायद वो भी लड़ रहे हैं, उनको कोई असर नहीं चुनाव। आपकी पार्टी पे उसका कोई असर हो रहा है? नहीं, हमारी पार्टी को कोई असर। आज भी मुसलमान आपके पक्ष में है? बिल्कुल, समाजवादी के साथ जा रहा है, एकदम समाजवादी के साथ जा रहा है। BSP दावा कर रही है कि YM फार्मूला दो धड़े में बढ़ चुका है, नहीं ऐसा कुछ? BSP कर रही है ना कि BJP? नहीं ऐसा कुछ। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सचिव सर, फिर से आपका नाम जानना चाहिए जी? शहाबुद्दीन साहब, और आप उनके बगल में आप भी हैं सर, आपसे भी दो मिनट की बात हो जाए सर, अपना परिचय। ताजी खान आज पहले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए अब कोई वो विकल्प नहीं है, और विकल्प सिर्फ है कि समाजवादी पार्टी वोट दीजिए और उत्तर प्रदेश को बचाइए, देश को बचाइए। तो लोगों ने मन बना लिया, पूरे 5 चरण का चुनाव हो चुका है, हर तरफ एक तरफ सरकार भी चल रही है, तो हम लोगों ने भी समाजवादी पार्टी का समर्थन दिया है, उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार बन रही है, अखिलेश जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने जात धर्म से हटकर अखिलेश जी को सिर्फ लोग पसंद कर रहे हैं, और आजमगढ़ की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी की जा रही है। आपका भी बहुत होल्डिंग वगैरह लगा था कांग्रेस की तरफ से, अभी आप कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से हमारा मन भंग हो गया है, हमें छोड़ चुका हूँ, लेकिन सर क्या वो होल्डिंग्स भी कांग्रेस के पक्ष में लोगों को नहीं डाल पाई क्या? नहीं नहीं, हम लोगों ने जब देखा कि प्रदेश में अब पूरी समाजवादी पार्टी बदलाव चाह रही जनता, इस वक्त कोई दल नहीं, पूरी एक तरफा लड़ाई समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है पूरे प्रदेश में, और इस वक्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है, जहाँ भी आप देखें पूरे प्रदेश में एक तरफा समाजवादी चली, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के समय दूसरे दल वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आखिरी प्रश्न करूँगा, 14, 17, 19 तीन अहम चुनाव जिसमें 2 लोकसभा 1 विधानसभा आप हार चुके हैं, और सब भारतीय जनता पार्टी जिसे आप एलिगेट लगातार करते हैं वो जीतती जा रही है, क्रम तक इस बार भी पसंद कर रहे हैं, और आजमगढ़ की 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी की जीतने जा रही है। आपका भी बहुत होर्डिंग वगैरह लगा था कांग्रेस की तरफ से, अभी आप कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से हमारा मोह भंग हो गया, हमें छोड़ चुका हूँ, लेकिन सर क्या वो होर्डिंग्स भी कांग्रेस के पक्ष में लोगों को नहीं डाल पाई क्या? नहीं नहीं, हम लोगों ने जब देखा कि प्रदेश में अब पूरी समाजवादी पार्टी बदलाव चाह रही जनता, इस वक्त कोई दल नहीं, पूरी एक तरफा लड़ाई समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है पूरे प्रदेश में, और इस वक्त समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है, जहाँ भी आप देखें पूरे प्रदेश में एक तरफा समाजवादी चली, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के समय दूसरे दल का वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आखिरी प्रश्न करूंगा, 14, 17, 19 तीन अहम चुनाव जिसमें 2 लोकसभा 1 विधानसभा आप हार चुके हैं, और सब भारतीय जनता पार्टी जिसे आप एलिगेट लगातार करते हैं वो जीतती जा रही है क्रमशः,
इस बार भी फिर वही करिश्मा दिखाने वाली है, ऐसा वो कह रही है। और आप तो हर बार दम भरते हैं, बस अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, अब कर देंगे, पर कुछ नहीं पाते सर। ये एक शायर का शहर है, बुलंदी देर तक किस्सक के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो बुलंदी भारतीय जनता पार्टी बहुत बुलंदी पर चढ़ रही, पूरे प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस तरह से पूरे प्रदेश में, देश में एकदम बेरोजगारी, कहीं पे कोई विकास नहीं है, कोई इंतजाम ही नहीं है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है, मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई, 250 रुपये किलो आप देख रहे हैं तेल, कड़ुआ तेल, पेट्रोल 100 रुपये लीटर, अब चुनाव के बाद 150 रुपये लीटर पेट्रोल होगा। तो जनता एकदम, अगर एक आदमी गरीब कितना कमाता है, दिन भर मजदूरी करता है, 300 रुपये अब अपने बाल बच्चों का पेट कहाँ से पालेगा। तो अब जब तक भारतीय जनता पार्टी लोगों का मुंह भंग हो चुका है, 2022 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बन रही है, 2024 में भी बदलाव पूरा देश में होगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार 24 वाला किसके नेतृत्व में होगा? देखिए अब तो गठबंधन होगा, देश में बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, देश में पहले 24 में भी बदलाव आएगा, दो ही पार्टी है देश में, सब लोग मिलकर लड़ेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को पूरा काम। तो ये थे हमारे साथ वो कंपेनर जो प्रत्येक विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि इस बार भैया सरकार बनने जा रही है। ये कहना चाह रहे थे कि जो चुनाव हो रहा है पश्चिम से लेके यहाँ तक, भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं डूब रही है, कुछ कुकर्म किया है भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी बुनियाद पर डूब रही है। जैसे उन्होंने कहा था कि साहब हम आय दुगनी करेंगे किसानों की, 13 महीना बैठा दिया धरने पर, उन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपया डालेंगे गरीबों के खाते में, उन्होंने वो वादा उनका झूठा रहा, उन्होंने आरक्षण एक तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था हमारे समाज को, गरीब समाज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो